दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाबा तो सारा तैयारी हो गया ना बाबा, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। दोस्तों अभी घर में तो पूजा हो ही रहा है, अभी हम आए थे गौमूत्र लेने के लिए, पर ये देखिए पापा वहाँ बैठे हुए हैं, उनको भूख नहीं लगा होगा ना पता नहीं अभी पूछ भी नहीं सकते खाइएगा कि नहीं। दोस्तों अभी हमारे घर का पूरा पूजा हो चुका है, अभी दो दिन और पूजा होना बाकी है, तो अभी देखिए झंडा लास्ट में जो होता है वो काम अभी हो रहा है। देख सकते हमारा घर पूरा सजाया गया है, हल्का फुल्का सजाया गया है, तो इसका मतलब कि आप डाइटिंग कर सकते हैं। अरे पूरा है ना, इसका मतलब कर सकते हैं। अब गाड़ी में कई बार भी डाइटिंग हो ही जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज 17 फरवरी है और आज से हमारा घर का पूजा जो है, जो काफी दिन से इंतजार था, देख सकते हैं पूरा फूल पत्ती वगैरह सजाया गया है। तो हमारा क्या ना कि हम लोग इन तो नहीं कर पा रहे, घर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन पूजा करने के लिए बोले कि पूजा आप कर सकते हैं, तो अभी बहुत अच्छा मुहूर्त है पूजा का। और लाइफ में पहली बार तुम्हारा हम अपना घर पूजा कर रहे हैं, आज तक कभी जिंदगी में लोग जामतला में घर बनाए थे तो हम नहीं थे वहाँ पर, तो अब आज हम यहाँ पर पहली बार हमारी लाइफ जिंदगी में पहली बार हम घर का पूजा कर रहे हैं, तो सारा चीज़ लगा हुआ, सब लाइट वगैरह थोड़ा बहुत लगेगा। तो ये सब दोस्तों आप ही लोग का प्यार, आप ही लोग का मतलब आशीर्वाद और आप ही लोग का सब बदलत हो रहा है ये सब। नहीं तो ये सब तो मेरी जिंदगी में तो हम कभी सोचे नहीं थे कि रामगढ़ फील्ड में मेरा भी एक घर होगा अपना। हम लोग बचपन से यहाँ क्वार्टर में ही रहे हैं, हमारे पिताजी के जमाने से हम लोग हमेशा बचपन से क्वार्टर में रहे हैं। आज यहाँ का अगल बगल के लोग भी जान रहे हैं हमको, तो बता रहे हैं कि देखो आज ड्राइवर साहब जो है आज अपना घर बनाए और आने जाते, ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। और ये सब आप लोग के बदौलत है आज हमारा यूट्यूब फैमिली इतना बड़ा हो चुका है, तो सबका आशीर्वाद प्यार है, आप ही लोग का देन है ये सब जो हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू, धन्यवाद जो आप लोग इतना हमको हेल्प किए, सपोर्ट किए दोस्तों, जो आज हम अपना घर का पूजा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम पूजा में बैठ जाएंगे तो फिर हम वहाँ से हटने जाएंगे, क्योंकि पूजा 2-3 घंटा हमको बैठना पड़ेगा, आज भी बैठना है, कल भी बैठना है, परसों हमारा लास्ट है, तो परसों तक हमको यहाँ पूजा में ही बैठना है। इसलिए मेरा गाड़ी भी खड़ा है, आप लोग देखिए मेरा गाड़ी खड़ा है, पार्किंग में लगा दिए गाड़ी, तो सेठ जी को तो कहना था कि गाड़ी लगा दीजिए, पूजा जो कर लीजिए अपना। तो ठीक है दोस्तों जाते हैं पूजा कराते हैं। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बजने वाले और अभी तक हमारा पूजा स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ा लेट हो रहा है, और देखिए अभी जाके थोड़ा सा ये लरी वरी दे रहे हैं, ये सब थोड़ा लेट हो गया बहुत ज़्यादा ही। और अभी देखिए नानी यहाँ पे बैठी हुई है, दादी और मम्मी, अभी सब इंतजार कर रहे हैं पूजा स्टार्ट होगा, तो अभी बाबा लोग सारा अभी तैयार कर रहे हैं सब कुछ, अभी लेट है ना मम्मी, अभी लेट है। देखिए दादी सब ठीक है ना, नानी ठीक ठीक है, दोस्ती चल रहा है ना अभी, दोस्ती चलेगा, चलिए ठीक है, समदिन है चलिए दोस्ती ठीक है। ये देखिए अभी पापा भी आ गए, अभी पूजा का ही सारा सामान इधर उधर लाने में परेशान है सब लोग। ये देखिए पहले हम इधर तो सारा सब कुछ हो गया रेडी, अभी इधर करवा रहे हैं, ये देखिए। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाबा तो सारा तैयारी हो गया ना बाबा, आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए, सारा तैयारी हो गया ना? हाँ हो गया, चलिए हो गया। ये देखिए पूरा अच्छे से सारा सजा दिया है, पीढ़ा को कल ही करके बाबा रात में कल आए थे शाम में, और सब कुछ तैयार कर दिया है, तो सब कुछ रेडी लगभग हमारा हो ही गया है। यहाँ पे पूजा हुआ इसी रूम में हम लोग करवा रहे हैं पूजा, ये ज्यादा अच्छा था इसी को लेकर। चलिए तो कब से स्टार्ट कीजिएगा पूजा? कितना देर लगा, आधा घंटा, एक घंटा? हाँ एक घंटा बाद ना, चलिए। और पापा भी देखिए भूखे हैं, अभी खाना नहीं खाया, डाइटिंग इतना दिन से नहीं कर रहे थे ना, अभी 3 दिन खूब डाइटिंग करेंगे, अभी होगा ना? अभी हो जाएगा। सुबह से हम पानी तक भी नहीं पिए हैं, हम पूजा में बैठे हुए हैं, अभी पूजा करना है, 3 दिन रहना है अभी हमको, तो चार चार बाबा हैं और सब मिलकर पूजा हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं घर का जो है पूजा में चार चार बाबा लगता ही है और पूजा कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हो गए, बाजा वाजा सब लाइट वगैरह सब लग रहा है अभी। दोस्तों अभी घर में तो पूजा हो ही रहा है, अभी हम आए थे गौमूत्र लेने के लिए, तो गौमूत्र अभी मिल नहीं पा रहा, तो भैया ट्राई कर रहे हैं, देखिए बोले दूध दुहेंगे तो शायद हो जाए ऐसा करके, और हमारा घर तो यहीं पे बगल में ही है, अभी ट्राई कर रहे हैं, देखिए शायद मिल जाए, तो बहुत इसी के कारण अभी हमारा पूजा स्टार्ट नहीं हुआ है। बाकी जितना लाइट लगना था लाइट का सारा काम हो गया है, बॉक्स भी लग गया है, अब बस ये गौमूत्र लेके जाएंगे, हमारा पूजा स्टार्ट हो जाएगा फिर। दोस्तों अभी गौमूत्र मिल गया है, अब लेके जा रहे हैं, थोड़ा बहुत 1 घंटा लग गया यहाँ पे, ये बगल में भी नली का काम हो रहा है इसलिए थोड़ा शोर हो रहा है, अब जाते जल्दी पंडित जी को देते हैं। दोस्तों अभी गौमूत्र ला के रख दिए हैं और सारा सामान भी रेडी हो गया हमारा, देखिए जितना फोटो माला लालन था सब कुछ तैयार है, अब बस जल्दी इधर फल भी पूरा तैयार हो गया है, ये आसनी ला दिए हैं, अब देखिए बस पापा बैठे हुए हैं, अब पूजा हमारा बस अब स्टार्ट हो जाएगा, बाबा लोग थोड़ा नाश्ता कर रहे हैं, अब जा पूजा भी स्टार्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, और इधर मम्मी सारा तैयारी कर रही है। दोस्तों अभी चाय दे दे रहे थोड़ा बाबा लोग को, बाकी फिर पूजा स्टार्ट। आप लोग चाय नहीं पी सकते ना अभी? आप लोग कुछ नहीं, बाबा लोग खा सकते हैं पंडित जी लोग का खाना है, हम लोग का नहीं। चलिए ठीक है, ये देखिए पापा वहाँ बैठे हुए हैं, उनको भूख नहीं लगा होगा ना?
पता नहीं अभी पूछ भी नहीं सकते खाइएगा कि नहीं। चलिए खाना खाने से पूछने से ना भूख लग जाता है, इसीलिए नहीं पूछ सकते हैं। चलिए अब चाय पिलाते हैं बाबा लोग को। दोस्तों अभी हमारे घर का पूरा पूजा हो चुका है, अभी दो दिन और पूजा होना बाकी है। तो अभी देखिए झंडा लास्ट में जो होता है वो काम अभी हो रहा है, झंडा लगने वाला है। बोल श्याम राम चंद्र की जय, हनुमान की जय। दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और आरती वगैरह सब कुछ हो गया, अब जाके हमारा मतलब आज का दिन का पूजा पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी अभी बाबा जी लोग खाना खा रहे हैं, ये देखिए अब उनको, और यहाँ पे मम्मी है। पूजा पूरा कंप्लीट हो गया है, आंटी जी अभी आई है, हो गया ना पूरा। हाँ। पापा चले गए तो हो गया, अभी 2 दिन बाकी है। पापा चले गए ना, पापा गए कपड़ा चेंज करने के लिए। पापा थोड़ा थक गए थे इतना देर, मतलब हमको लगा 3-4 घंटा बैठे हुए थे। तो चलिए पूजा तो हो गया अच्छे से, अभी 2 दिन और बैठना है पापा को भी और मम्मी को भी। चलिए ठीक है, हो गया अच्छे से। ये कुछ काम किया कि नहीं किया? तो सुबह से तो सब खट रहा है, कर रहे कुछ नहीं। ये डुगू है दोस्तों, हम कल से निलवाने बोल गए थे, डुगू है मेरा मामा का बेटा।
चले चीकू कहाँ गया? अरे चीकू मेरे चाचा का बेटा, चलो पलक। और देखिए वो पलक है, ये इसकी बहन है, ये भी मेरे मामा का बेटी है। ये कल हम मिलवाने बोल गए थे, बहुत लोग बोल रहे थे कौन कहाँ से बच्चा आ गया, ये लोग है सब। चलो सब आए नहीं, कल और सब आएंगे, अभी आधा मेहमान नहीं आए हैं, कल आएंगे सब, बस में बैठ गए हैं। दोस्तों अभी पढ़ने जो लोग चले गए खाना खाकर, और अभी फिर शाम में आएंगे एक घंटे बाद। तो ये देखिए घर में पूरा लाइट हम लोग लगवा दिए है, नीचे का जो कनेक्शन है लाइट का वो ऊपर नहीं हुआ है अभी, ये सारा ये सब लाइट बंद है, बस नीचे का अभी चालू करवा दिए, अभी लाइट नहीं है इसलिए जनरेटर चालू है। तो ये देखिए अभी पूरा सजा दिए तो अच्छा लग रहा है, अब अंधेरा हो जाएगा और थोड़ा मजा आएगा देखने में। तो ये लरी वरी पूरा डलवा दी है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी अभी लास्ट, अभी तो यहाँ पे बाउंड्री जब हमारा बन जाएगा तब जाके पूरा अच्छा लगेगा, ये सब भी पूरा साफ करवाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा गंदा है। दोस्तों अभी पंडित जी आने वाले हैं शाम का आरती दिखाने के लिए, तो आएंगे तो फिर आरती दिखा करके फिर हम लोग एक टाइम का खाना खा सकते हैं। अभी देख सकते हैं मेरा घर भी बहुत सजाया गया है, अभी हल्का ही फुल्का सजाया गया है, और परसों जो है कि और जोरदार सजाया जाएगा, क्योंकि परसों कुछ पार्टी वगैरह चलेगा छोटा मोटा। पंडित जी बोल रहे हैं कि छोटा मोटा कर लीजिएगा, जिस दिन होइएगा उस दिन कर लीजिएगा, बड़ा अलग बात है। तो ठीक है दोस्तों, पंडित जी इंतजार करते हैं, आरती होगा तो फिर हम लोग भी अभी सुबह कुछ खाए नहीं है, मतलब पानी तक भी नहीं पिए हैं। अच्छा पंडित जी तो बाद में बोले कि पानी वगैरह पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब कि आप डाइटिंग कर सकते हैं? अरे पूरा ना, इसका मतलब कर सकते हैं सर, गाड़ी में कई बार भी डाइटिंग हो ही जाता है कि खाना नहीं मिलता दिन भर, तो क्या करें, डाइटिंग हो जाता है। देखो अभी सुबह सिर्फ मात्र पानी पिए हैं थोड़ा सा, वो भी पंडित जी बोले तब अभी तो कुछ नहीं किया पेट में, तो ठीक है आदत, तीन दिन आदत हो जाएगा तो फिर अच्छी बात है ना। हाँ अच्छी बात तो है ही है। ठीक है इंतजार करते हैं पंडित जी लोग का। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हमारा दूसरा दिन है पूजा का, तो हम नहा धोवा के पूरा तैयार हो चुके हैं, और ये कपड़ा पहन लिए हैं पूजा का कपड़ा, ये पूजा ये कपड़ा पहनने के बाद खाना पीना चाय वगैरह कुछ नहीं होता है, खाना पीना तो हो ही नहीं रहा, चाय वगैरह नहीं पी सकते पानी भी। तो पंडित जैसा बोले हैं ये कपड़ा को आप उतार रख सकते हैं, दूसरा कपड़ा पहन के जो अपना घर का है जनरली वो कपड़ा पहन के आप चाय वगैरह पी सकते हैं। तो वो सब मेरा हो गया है, इसलिए हम कपड़ा पहन लिए, नहा धोवा रेडी है। पंडित जी बताए थे कि आज सुबह 9 बजे आ जाएंगे, तो इसलिए हम पूरा सुबह तैयार हो गए हैं। तो आज हमारा दूसरा पूजा है, कल हमारा लास्ट पूजा है। दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा हमारा जो दूसरा दिन का पूजा। तो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो थोड़ा सा इधर उधर भागना ही पड़ता है, थोड़ा रामगढ़ जाना पड़ता है फूल वगैरह लाने के लिए, डेली उसमें नया फूल चढ़ता है, तो कुछ प्रसाद वगैरह सब लाने के लिए तो भाग दौड़ करना पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट ब्लॉग देखने को मिलेगा आपको दूसरा पूजा का मेरा, इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।